री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक विदेशी धन प्रेषण या इसे प्रवासी धन प्रेषण आप कह सकते हैं, जिसे आप एक वर्ड में संक्षिप्त रूप में कहना चाहेंगे तो इनवर्ड रेमिटेंस व्यू से कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रवासियों के द्वारा अपने मूल देश में अपने सगे संबंधियों के पास या खाते में धन का प्रेषण जो है वो इनवर्ड रेमिटेंस कहलाता है। अगर किसी भी देश के इंटरनेशनल ट्रेड या भुगतान संतुलन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विनिमय के रूप में या क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त होता है, जिससे कोई भी देश अपने भुगतान संतुलन को भी नियंत्रित करने में सफल होता है। हालांकि भारत के लिए अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का जो ये चैप्टर होता है या आर्थिक गतिविधियां होती हैं या दूसरे देश से लेन देन होता है, उसमें जहां पर कुछ नकारात्मक पक्ष और पॉइंट हैं वहीं पर कुछ सकारात्मक पक्ष भी इसके हैं। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंट की बात हम लोगों ने पीछे किया हुआ था, यानी कि जनांकीय लाभांश। तो कहने का तात्पर्य जनांकीय लाभांश से तात्पर्य ऐसे आयु वर्ग के लोगों से है जो काम करने में सक्षम होते हैं, यानी कि उत्पादक कार्यकर्ते देश में उत्पादन बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं। इसी तरीके से जो ये इनवर्ड रेमिटेंस है कि यानी कि भारतीयों के द्वारा विदेशों में रह करके जो धन अर्जन किया जाता है अपने खर्चे को निकालने के बाद वो अपने देश में प्रेषित करते हैं, तो वो इंटरनेशनल स्तर पर मान्य जो मुद्रा है, जैसे अमेरिकी डॉलर जिसको कहा जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर का ज्यादा इसमें महत्व होता है, तो वो धनराशि जो है उस मुद्रा में प्रेषित किया जाता है, जिसे भारत में भुगतान संतुलन कि जो समस्या है उसे दूर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं का क्रय किया जाता है तो उसके बदले उस धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी देश के लिए इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि प्रवासी के माध्यम से अपने देश में धन का प्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। हालांकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना इस आधार पर आवश्यक है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं तो अभी भी भारत की स्थिति जो है कोविड जैसे खराब परिस्थिति के बावजूद भी पहले स्थान पर बना हुआ है, यानी कि भारतीयों के द्वारा विदेश में रह करके अर्जित की गई धनराशि को देश में प्रेषण करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। अभी हाल में ही विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड रेमिटेंस जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत 2018 से लगातार चौथे और पांचवें वर्ष भी पहले स्थान पर रहा है। ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार की गतिविधियां हैं उसमें प्रभावी उपस्थिति जो है दर्ज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती ही होती है। जो वस्तु और सेवाएं अपने देश में नहीं है उन वस्तु और सेवाओं को विदेशों से आयात करना पड़ता है और उसके बदले जो है हम भारतीय मुद्रा नहीं दे सकते हैं, विनिमय के माध्यम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मुद्रा या डॉलर जिसको आप कह सकते हैं उसका भुगतान करना होता है। और चूंकि जब भारतीयों के द्वारा प्रेषित किया जाता है अपने देश में तो वह मुद्रा डॉलर के रूप में ही होती है, जिसके बदले जो है हम उस निवासी को या उसके बैंक खाते में जो है भारतीय मुद्रा देते हैं और उसका जो डॉलर है उसे हम अपने भुगतान संतुलन को या उसके जो है समस्या को दूर करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के रूप में प्रयोग कर पाते हैं। तो इस लिहाज से इनवर्ड रेमिटेंस जो है भारत के आर्थिक गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। चूंकि जो भी पॉइंट्स या जो भी टॉपिक किसी भी देश के लिए या अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो सकारात्मक पक्ष रखता है, तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा के लिहाज से चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस या इंटरव्यू सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। चूंकि विश्व बैंक के द्वारा इसकी रिपोर्ट समय समय पर जारी किए जाते हैं और हाल में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार भारत की स्थिति जो है पहले स्थान पर है, तो इस लिहाज से ये परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं या इसमें मेंस में जिस तरीके से अभी लिखित परीक्षाएं हो रही हैं वहां पे छोटे छोटे टिप्पणी भी पूछे जा सकते हैं 150, 200, 250 शब्दों में। तो वहां पर अगर इसके एक समझ आप लोग रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके
और आपके उत्तर को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो यह रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें 2018 से भारत की स्थिति जो है दिखाई गई कि पहले स्थान पर यह रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये देखें कि कौन सा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी धन का प्रेषण किया जाता है, तो उसमें अमेरिका पहले नंबर पर, उसमें जो है पहले नंबर पर अमेरिका आता है, वहां से सबसे ज्यादा जो है धनराशि का प्रेषण किया जाता है, अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा का भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार और प्रवासी द्वारा विदेशी धन का प्रेषण, ये दोनों अलग अलग चीज है। जहां पर विदेशी मुद्रा का प्रवासियों के द्वारा प्रेषण की बात होती है, वहां पर इसका जो कंट्रोल है वो फेमा के माध्यम से होता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 ईस्वी में आया। इसके पूर्व में ये जो व्यवस्था थी वो फेरा के नाम से जाना जाता है, वो 1973 ईस्वी में बना था। और इसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करते हुए इसे बाद में 1999 में जो है फेमा कर दिया गया। जहां पर ये रेगुलेशन था वहां पर ये मैनेजमेंट कर दिया गया। ये थोड़ी सी जटिल और कठिन व्यवस्था थी, इसे लिबरल बनाया गया। यहां पर जब कोई आरोप लगते थे तो उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते थे, या कॉर्पोरेट सेक्टर हो या बिजनेसमैन हो, उसे सिद्ध करना होता है कि हम इसमें लिप्त नहीं है। लेकिन यहां पर अब सरकार को जो है ये साबित करना होता है कि वह व्यक्ति इसमें लिप्त है। यानी कि अब जो व्यापारी वर्ग है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा उदार बनाया गया, उसके ऊपर से जो है ये चीजें कम की गई हैं। तो अब इसे फेरा के स्थान पर फेमा में शिफ्ट किया गया है। और जो ये विदेशी मुद्रा का जो प्रवासी धन प्रेषण होता है वो इसके माध्यम से तय होता है। और वहीं पर जो विदेशी मुद्रा भंडार की जब बात की जाती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित परिसंपत्तियां होती हैं। जैसे केंद्रीय बैंक का तात्पर्य भारत में आरबीआई से है कि आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में आरक्षित परिसंपत्तियां जो है वह विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा आती है, स्वर्ण भंडार आते हैं, और इसी तरीके से कुछ प्रतिभूतियां आती हैं। एसटीआर को इसमें शामिल की, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है, जो कि आईएमएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इन सभी को जोड़ करके सम्मिलित किया जाता है। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना किया जाए तो भारत में रिपोर्ट के आधार पर भारत की स्थिति चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर आता है। यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार किसी भी देश के एक संतुलन के लिए और एक स्थायित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज के इस संक्षिप्त सेशन में हम लोगों ने इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि प्रवासियों के द्वारा धन प्रेषण को देखा गया, और इसके अंतर्गत जो है तुलनात्मक रूप से अलग अलग देशों के साथ भारत की क्या स्थिति बनती है, इसमें किस रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिपोर्ट होता है जो कि विश्व बैंक के द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है। सबसे अधिक धन का प्रवाह और प्रेषण जो है वो अमेरिका से भारत में जो है होता है, और विदेशी मुद्रा का भंडार जिस पर कंट्रोल जो है वो आरबीआई का जो है होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा और देखा। चूंकि ये भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत ही सकारात्मक सूचकांक है, इसलिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको समझिए। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो तथ्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये जो टॉपिक है पूरी इकोनॉमी को, इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके आधार पर जब आप अपना उत्तर लेखन करते हैं तो वह उत्तर जो है बहुत ही प्रभावी होता है, या उत्तर की दिशा आपके पक्ष में होता है, जिससे अच्छे मार्क्स मिलने में आपका सहयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।